नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीवन कुमार और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने घर पर ब्लूटूथ एम्पलीफायर बना सकते हो, पहले दोस्तों मात्र 10 सेकंड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपने घर पर ब्लूटूथ एम्पलीफायर को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा जाती रह सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने वर्किंग टेबल पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से अपने घर पर मात्र दोस्तों 10 रुपये में एक पावरफुल एम्पलीफायर को बना सकते हैं बेबी दोस्तों अपने घर पर। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास में यह जो आप देख सकते हैं, यह जो एम्पलीफायर की मेरे पास में यह जो पीसीबी है, यह आपके लिए चाहिए होंगी। आप दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर इसको ले सकते हो बहुत ही आसानी से। आपको दोस्तों कहना है कि 25-30 एम्पलीफायर के हमको किट दे दो, तो वह आपको इस प्रकार की किट बहुत ही आसानी से दे देगा। और दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको दोस्तों बैटरी चाहिए। आप दोस्तों बैटरी चाहे कोई सी भी ले सकते हैं, आपके घर पर अगर मोबाइल की बैटरी हो तो आप इसको भी ले सकते हैं, या आपके पास में इस प्रकार की कोई बैटरी हो तो इसको भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको एक स्पीकर चाहिए, जो कि आपके घर पर ख़राब हो जाते हैं एम्पलीफायर, उनमें आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी। तो इसमें दोस्तों आप जो डबल स्पीकर भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डबल स्पीकर लगाने का यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी के वायर यहाँ पे लगने वाले हैं और यहाँ पर स्पीकर का वायर यहाँ पे लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी हम आपको इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह कितना आवाज़ देता है और कितना बैटरी बैकअप ये देता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे गत्ते से बनाया है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं ताकि आपको कहीं भी ले जाने में इसको आसानी हो। तो चलिए हम इसको, यह जो स्पीकर है इसको हम इसमें फिट कर लेते हैं। आप दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस स्पीकर को इसमें इस प्रकार से एक कस लिया है। अब दोस्तों हम यहां पर और यहां पर स्पीकर के वायर कनेक्ट करने वाले हैं, और उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा वह हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यह देख सकते हैं, यह हमारे पास में बैटरी है और इसको बैटरी को हम दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से इसको फिट कर देते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस सेल को इस प्रकार से यहाँ पर कस दिया है। तो चलिए हम दोस्तों दूसरा क्या काम करने वाले हैं, यह जो प्लेट है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यह जो हमारी प्लेट है इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यह जो बैटरी का वायर है हमको यहाँ पर ठीक करके यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों बैटरी के वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर अगर आप इस सेल से इसमें डायरेक्ट सप्लाई दोगे तो आपका जो बैटरी है वह जल्दी फूकेगा, क्योंकि आपका एम्पलीफायर है हमेशा चालू रहेगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक सॉकेट लगा दिया है, यहाँ पे एक चटकनी लगा दी है ऑन ऑफ करने के लिए, ताकि हम दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से जब चाहें तो इसे बंद कर सकें, जब चाहें तो इसे चालू कर सकें। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, एक बार हमें इसको चटकनी में देना होगा और एक बार यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम यहाँ पे इसको वायर को कनेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सब वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसमें यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्पीकर का कनेक्शन आप दोस्तों देख सकते हैं, आपको इस प्रकार का यह स्विच चाहिए तभी आप दोस्तों स्पीकर कनेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों वायर को बांध सकते हैं, टाका भी यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्पीकर के कनेक्शन अपने यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी जगह कोई सा वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। आप देखते हैं हमारे स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पे हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे स्पीकर का। दोस्तों यहाँ पे दो स्पीकर लगाने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम किसी एक में यहाँ पे स्पीकर को बिठा देते हैं। देख सकते हो दोस्तों हमारा स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो चालू करके यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आवाज़ आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें इसको रख देते हैं और हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, ठीक है, बढ़िया करके लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक हैंडल लगा दिया है, ताकि हम जहाँ भी जाएं और इसको बहुत ही आसानी से इस प्रकार से पकड़ के ले जा सकें। तो चलिए दोस्तों अब हमारा एम्पलीफायर बन के तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसका हम आपको साउंड टेस्टिंग करके दिखाते हैं, और इसका आपने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है। Thank you.
देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो इसका कोड है एम्पलीफायर का, यहाँ पे आ गया। तो हम इसको यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे जोड़ा बनना है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो इसका ब्लूटूथ है बैक कनेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टुन टुन की आवाज यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ से हम कोई भी गाना यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे साउंड आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें वही पलेट है जो हमने दोस्तों एम्पलीफायर में लगाई थी। तो मैं दोस्तों आपको इसका साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ कितना अच्छा यहाँ से आवाज आ रहा है, यहाँ से कितना अच्छा। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा यहाँ पे साउंड आ रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि आप अपने घर पर किस प्रकार से पावरफुल ब्लूटूथ एम्पलीफायर को बना सकते हैं बहुत ही आसान से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों आपको इसी प्रकार की अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इतनी जानकारी को लेकर, कुछ इस तरीके को लेकर। तब तक के लिए जय वंदे मातरम।